ये देख रहे होंगे ये इम्प्योर ब्लड है, जाता है प्योर ब्लड, लेकिन जो है सो यहाँ मिक्सिंग हो करके और ये जगह पे मिक्सिंग हो करके ये आता है इम्प्योर ब्लड। देन ये जो 75% ही आया था ना, लेकिन 25% यहाँ जो ब्लड है, ये ब्लड क्या होता है, 25% ब्लड ये आता है लेफ्ट राइट ऑरिकल में आता है, राइट एट्रियम से राइट ऑरिकल में आता है, और यहीं से क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स में, और उसके बाद क्या होता है ब्लड फिर जो है सो डक्टस आर्टियोसम में यहाँ पे आता है, और यहाँ पे फिर से अगेन मिक्सिंग होती है, और फिर डिसेंडिंग ऑर्टा के थ्रू फिर ये ब्लड क्या होता है चला आता है अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू फिर से चला आता है ये इसमें। तो आप ये ना समझें कि हमने 75% ब्लड को एक बार बताया और 25% को एक बार बताया, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फिनोमिना होता है ये एक साथ हुआ होता है। देखो जो हार्ट है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, एक बार रिलैक्स होता है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया एक बार रिलैक्स हुआ, तो आपको ये समझना है ये दोनों फिनोमिना जो है 75% वाला 25% ये एक ही साथ होता है। बस आपको समझने के लिए ये चीज़ थोड़ा मैं अलग अलग करके थोड़ा समझ में आ जाए, और होपफुली क्लियर हो गया होगा अब। ओके okay?